नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10, 11 और 12 जून के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तुम्हारा हर सपना सच हो जाएगा, परंतु इन चार बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने यह बात तो सुने होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना अवश्य पड़ता है। जी दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको यह नहीं जता रहे कि आपके कर्मों में दाग हैं, आपके अंदर ही खोट है, ताकि आपको ये चार बातों का ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके कर्म और आपके अच्छे पुरुषार्थ की वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस धरती पर आपके जैसे सब लोग नहीं हैं। जी दोस्तों, आप जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के लोगों की सोच और आपकी सोच में अंतर है। जी दोस्तों, और इसी कारण आपके जीवन काल में आपको चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे कर्म और पुरुषार्थ अगर हर इंसान के अंदर रहता तो दोस्तों इस धरती पर दुष्कर्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसी चीजें उत्पन्न ही नहीं होती। और दोस्तों इसी प्रकार आपके भी आस पड़ोस में, आपके भी अगल बगल में, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों की ओरा आपसे अलग होती है। जे दोस्तों, ओरा मतलब उनके अंदर की एनर्जी, उनके अंदर का वातावरण। जे दोस्तों, जब आप उनसे वार्तालाप करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन काल में उनके एनर्जी अवश्य ग्रहण होती है। जे दोस्तों, जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ का शुभ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, जिस प्रकार हमारे सभी चिंताएं वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोगों के ओरा आपसे अंतर है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन काल में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए चार सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। जी दोस्तों, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आप इन बातों पर गौर करें। साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि आने वाले चार दिनों के अंदर आपके जीवन काल में जो ग्रहों की भी स्थिति होगी, इनके अनुसार आपके घर के माहौल में क्या क्या बदलाव होंगे, पार्थिव जीवन में क्या क्या सुधार होंगे और कौन सी चार बातों का ध्यान आने वाले चार दिनों में आपको रखने होंगे। जी दोस्तों, प्रत्येक जानकारी इस वीडियो के मध्य मध्य में दिए हैं, तो हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शिव लिखकर भगवान शिव का स्मरण कर लें। भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अच्छी ज्ञान से। ये दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को किसी जीव की हानि पहुंचाते हुए देखते हुए कहा कि हे पुत्र, जब आप दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो ध्यान में रखिए कि यह हानि उनका नहीं, आपका है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपकी जीवन काल में वापस आती है, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बातों में अगर आपको सच्चाई लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों के अंदर आप सभी की जीवन काल में ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि कौन सी चार सावधानी आपको रखनी है। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, यह समय आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बनाएंगे तथा अपने चौतराई और सूझबूझ से कार्यों को निपटा भी लेंगे। आपको बता दें कि किसी परम मित्रों से मुलाकात सार्थक रहेगा। आप हर परिस्थिति में खुश रहना यश में सीखेंगे। सामाजिक गतिविधियों तथा परिवार के साथ उचित समय यश में व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में कोई दुखद समाचार मिलने से भी मन में वैराग्य का भाव भी बना रहेगा। मानसिक रूप से कुछ उदास भी रहेंगे। आप किसी झगड़े में ना पड़े, अन्यथा आप पर भी किसी मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है। तो दोस्तों, यश में आप इन बातों पर ध्यान रखें, वाणी और फिर मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए यश में आवश्यक होगा। आपकी कोई योजना भी यश में अधूरी रह सकती है अगर आप इन सब पचड़े में पड़ेंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आलस का प्रभाव
यश में आप पर ज्यादा दिखेगा। जिस व्यक्ति के द्वारा आप पर लापरवाही हो रही है दोस्तों, उसके बारे में जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से व्यक्ति के बारे में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। दोस्तों, किस बात को प्राधान्य देना है और किस बात को छोड़ देना है यह तय करने के लिए आपको इमोशनल मैच्योरिटी लाने की कोशिश करनी होगी। उसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि अपने किसी कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में भी आपका व्यवस्था बना रहेगा। घर में किसी अतिथि के आने से भी आपका घर में चहल पहल का माहौल रहेगा। दोस्तों, आपसी मेल मिलाप सबको खुशी देगा। किसी भी नए कार्य की योजना बनाने की आवश्यकता होगी और उनमें आप सफलता भी यश में प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों, यश में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हावी रह सकता है। अपनों से कड़वा बात सुनना मन को दुखी करेगा। दोस्तों, यश में दूसरों की बातों में ध्यान देने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर होंगे। बेहतर होगा कि आप ज्यादा मेल जोल करने की स्थिति से दूर रहें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि काम की जगह आप योग्य तरीके से नेतृत्व भी निभा पाएंगे, लेकिन अधिक कठोरता रखने की वजह से कुछ लोगों को आपके प्रति नाराजगी भी महसूस हो सकती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को खुश रखना भले ही आपकी जिम्मेदारी ना हो, लेकिन अपने वर्ताव की वजह से लोगों के लिए तकलीफदायक वातावरण निर्माण हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यशो में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। इसके उपरांत दोस्तों, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि भी होगी। सामाजिक गतिविधियों में आपकी सलाह को विशेष जो है अहमियत यश में दी जाएगी। भूमि संबंधी कोई कार्य बेहतरीन तरीके से संपन्न हो सकता है, इसलिए दोस्तों, यश में प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ दोस्तों, यश में आपको बता दें कि दोपहर के बाद जो परिस्थितियां होंगी यश में असमंजस की स्थिति में होगी। दूसरों की वजह से आपको कुछ परेशानी भी आ सकती है। दोस्तों, किराएदार मकान मालिक के बीच कुछ उलझन भी यश में रह सकती है। यश में आप खुद के अहम और जीत के कारण मुसीबत खड़ी कर सकते हैं या फिर आप मुसीबत में फंस सकते हैं, तो दोस्तों, इन बातों पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी वजह से परिवार में आनंदित वातावरण भी बना रहेगा। जो लोग आपके करीब हैं उनके प्रति आपकी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। रिश्तों की अहमियत और गहराई की समझ ऐसे में आपको हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि आपके कुछ ऐसे आर्थिक स्रोत भी बनेंगे जिनके बारे में आपको कल्पना भी नहीं है या फिर आप जिनके बारे में कल्पना भी कभी नहीं किए थे। प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात विचारों का आदान प्रदान आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिभावक तथा बच्चों के साथ उचित सामंजस्य बनाए रहेगा। साथ ही दोस्तों, यश में किसी रिश्तेदार अथवा घनिष्ठ मित्र की बात आपको बुरी लग सकती है, परंतु दोस्तों, अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए चुपचाप रहना और धैर्य रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। जल्दबाजी ना करें, इनकी वजह से आपका निर्णय गलत हो सकता है, इसलिए दोस्तों, सोच समझ कर ही अपने कार्यों को अंजाम दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, काम से संबंधित बातों की जागरूकता होने के बावजूद भी काम को पूरा करते समय आपको मानसिक तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके द्वारा किए गए काम लोगों का द्वारा जो है नवाजा भी जाएगा। आपको बता दें, फिर भी मानसिक संतोष पाना आपके लिए इसमें कठिन लग रहा है, इसलिए दोस्तों, इसमें अपने काम पर ध्यान को केंद्रित रखें, आपको आगे चलकर सभी समस्या का समाधान मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों, यश में व्यवसाय में साझेदारी संबंधी व्यवसाय में कुछ आपसे मतभेद भी हो सकते हैं। नई संस्थाओं से जुड़ने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि विशेषकर सरकारी कार्यों से संबंधित गतिविधियों में यश में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपका अपने व्यवसाय अथवा नौकरी पर गंभीरता से ध्यान देना आपको सफलता तथा मान सम्मान प्रदान करवाएगा, तो दोस्तों, यश में इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि व्यापार में परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, परंतु किसी कर्मचारी की वजह से वातावरण में कुछ तनाव हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय इसमें सफल रहेंगे। साझेदार संबंधी कार्यों में भी एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर होंगे और आगे चलकर ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसके साथ दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे
दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, किसी नई कार्य की योजना बनाने से आपका समय उनमें व्यतीत होगा और सफलता भी आप उनमें प्राप्त करेंगे। परंतु दोस्तों किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से इसमें बचें। नौकरी पेशा व्यक्ति काम के दबाव में रहेंगे, अधिकारी वर्ग भी परेशान रह सकते हैं, लेकिन आप अपने जो कार्य है उनको आगे भी बढ़ा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कारोबारी गतिविधियों यथावत चलती रहेंगी तथा आत्मसंतुष्टि भी आपको रहेगा। यह समय व्यापार में कोई नया काम प्राप्त करने का समय होगा, नया काम को अंजाम देने का समय होगा। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही तरक्की के योग भी बने हुए हैं। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे तथा परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी खुशनुमा समय आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि घर में सुख शांति व फिर आपसी सामंजस्य का वातावरण रहेगा। किसी से प्रेम या फिर रोमांस शुरू भी हो सकता है और डेटिंग पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें ध्यान रखें कि दोस्तों माता पिता की भावनाओं का ठेस ना पहुंचाएं। हालांकि दोस्तों आप घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखने में सक्षम भी रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां इसमें बढ़ने वाली है। इसके साथ दोस्तों इसमें आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके घर परिवार के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके आत्मबल को और अधिक मजबूत करेगा। यश में विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय आप ध्यान रखें कि आपके मान सम्मान को कोई आंच ना आए। दोस्तों इन बातों पर यश में ध्यान दें, ये आपके लव लाइफ के लिए इसमें बहुत ही बेहतर शब्द होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है। छोटी मोटी मौसमी परेशानियाँ आपके ऊपर हावी रहेंगी, जिसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों समय रहते आपको सतर्क रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा।